गाइस, जीवीएसटी ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आप अपने डिजाइन को क्लाइंट के पास कैसे शेयर कर सकते हैं और शेयर किए हुए लिंक को कैसे मैनेज कर सकते हैं और अपने डिजाइन पे कैसे क्लाइंट से कमेंट्स या फीडबैक पा सकते हैं, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। और इस डिजाइन को क्रिएटिव जो क्लाउड है आपका, उस पर कैसे आप पब्लिश करेंगे ताकि कहीं भी किसी भी लोकेशन में हो, किसी भी कंट्री में हो, तो उस डिजाइन को आप कैसे मोबाइल में प्रीव्यू कर सकते हैं या देख सकते हैं, या ब्राउजिंग ब्राउजिंग करके आप साइट पे देख सकते हैं या ईमेल के थ्रू चेक कर सकते हैं, ये फीचर आपको इसमें मैं बताने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल्स के माध्यम से आपको ये ऑप्शन जो दिख रहा है शेयर का और मैनेज शेयर लिंक का, ये बता रहा हूँ। तो शेयर लिंक में आपको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, मतलब ये शेयर लिंक है, ये जो शेयर का बटन है, यहाँ पे जो शेयर है और यहाँ पे जो शेयर है सेम है, और यहाँ पे जो मैनेज शेयर लिंक है वही यहाँ पे मैनेज लिंक है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शेयर लिंक और मैनेज शेयर लिंक दोनों यही ऑप्शन है। तो चलिए मैं ये बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। दोस्तों, इस वीडियोस के पहले एक और वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे ये एनिमेट किया जाता है, तो इसका प्रीव्यू यहाँ पे मैंने बनाया है जिसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी एनिमेशंस को आपको मैं दिखाने का कोशिश करूंगा कि मोबाइल में कैसे आप डिजाइन आप देख सकते हैं, ये यहाँ से आपको दिखाने का। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जब टैप करेंगे तो यहाँ पे एक आइकन इंसर्ट करने के लिए होता है 120 मल्टीप्लाई 120 का, मतलब आपको इतना एक 120 बाई 120 का एक आइकन यहाँ पे डालना है ताकि आप जब मोबाइल एप्लीकेशंस में एडोबी एसडी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एडोबी एसडी एक मोबाइल के लिए भी सॉफ्टवेयर है जिसपे ये डिजाइन को आप रियल टाइम में वहाँ पे देख सकते हैं क्रिएटिव क्लाउड के जरिए, या डायरेक्ट यूएसबी केबल से कनेक्ट करके भी इससे आप रियल टाइम में देख सकते हैं एनिमेशंस को, जैसे कि मैंने पीछे पिछले बार दिखाया हूँ और पिछले वीडियो में भी दिखाया है, इस वीडियो में भी आपको रिव्यू करके दिखाया हूँ। तो इसके लिए इतने आइकन चाहिए, तो इस साइज में एक मैंने आइकन 120 बाई 120 का ये आइकन बनाया और यहाँ से मैंने इसको एक्सपोर्ट किया और डिजाइन में एक्सपोर्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप जो डेटा देख रहे हैं, यहाँ पे ये साइज देखिए 120 बाई 120 का है, इस इमेजेज को यहाँ पे ऑन करके और इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे ड्रैग करना है। यहाँ लिखा हुआ एड इमेज टू डिस्प्ले ऑन मोबाइल, आप डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग कर दें और ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो फाइल का आपका नेम है, जो ईवेक्स फाइल प्रोटोटाइपिंग है, तो यहाँ प्रोटोटाइपिंग है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट एट स्क्रीन, किसको स्क्रीन वन आपको दिखाना है, अगर इसको स्क्रीन पे वन दिखाना है तो ये प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप में पूरे कनेक्शन आपको दिख रहा है कि ये स्क्रीन का कनेक्शन किससे है, इस कनेक्शन इसका स्क्रीन कहाँ से क्या कनेक्शन है, इसमें क्या कनेक्शन है, पूरे इंटरेक्शन का वायर फ्रेमिंग दिखा रहा है। अगर रियल टाइम में सभी का देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये ऐसे लिंक है और ये लिंक के जरिए ही इस तरह का एनिमेशन जैसे जैसे इंटरेक्शन दिखाया हुआ है वो वर्क करता है। तो इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको होम पेज का मतलब आपको इसको होम पेज मानना है, तो इसपे जिस पे भी आप टैप करेंगे यहाँ होम का आइकन आएगा। होम का आइकन का मतलब जब आप लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन मोबाइल में तो फर्स्ट स्क्रीन वही ओपन होगा,
इसलिए यहाँ पे हमें ओपन करना है फर्स्ट स्क्रीन। अगर अभी देखूं तो यहाँ पे स्क्रीन नंबर 2 है, देख रहे हैं स्क्रीन 2, लेकिन हमें दिखाना है 1, इसलिए 1 पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होगा। अब हम 1 पे क्लिक किया, यहाँ पे अलाउ कमेंट्स का मतलब कोई भी बंदा इस प्रोटोटाइप से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट लिंक करना है। क्रिएट लिंक करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो लिंक कर जाएगा, और लिंक करने के बाद ये सर्वर बेस पे वर्क करता है, क्रिएटिव क्लाउड पे ये डेटा सेव हो रहा है। तो इसके लिए आपको नेट का कनेक्शन चाहिए, और वहाँ पे फिर आप कभी भी ऑफलाइन में भी ये मोबाइल का डेटा को देख सकते हैं अगर आपके मोबाइल में सेव हो जाता है, सिंक हो जाता है। तो दोस्तों ये अभी हमारा सिंक हो रहा है, और सिंक होने के बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है लिंक। अगर इस पाथ को यहाँ पे अगर आप टैप करते हैं तो डायरेक्ट ये ब्राउजर में जाकर के ओपन कर देगा, और इम्बेडेड पे जब टैप करते हैं, इम्बेडेड पे टैप करते हैं तो ये जैसे कि यहाँ से कॉपी कर लीजिए इस कोड को, और जैसे कि बिहेंस नेटवर्क है वहाँ पे पोर्टफोलियो में डाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये रन करने लगेगा। जैसा कि आपको मैं साइट पे आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे मैंने बिहेंस नेटवर्क ओपन किया, और बिहेंस नेटवर्क पे अपना पोर्टफोलियो जो है यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे करता है। ये कॉपी कर लेना है कोड को, और जब कॉपी हो जाएगा तो इस पे जा करके आपको पेस्ट कर देना है, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट प्रोजेक्ट किया, और यहाँ पे एम्बेडेड मीडिया में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एम्बेडेड जब मैं क्लिक करूँगा और इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे हमारा देखिए ये व्यू जो है ऑटोमेटिक वर्क करने लगा। यहाँ पे मैं टैप करूंगा तो हमारा वायर फ्रेम जैसे कि दिखाया गया था, प्रीव्यू मोड में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे गया, ये गया, इस तरह से जो भी मैंने बनाया था यहाँ पे डायरेक्ट जो है एम्बेडेड कोड मैंने पेस्ट किया तो ऐसा दिख रहा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला कोड को मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। आप चाह रहे हैं कि हमें ये स्क्रीन फिर से अगेन शेयर अगेन करना है तो यहाँ से अपडेट अगर लिंक करना है तो अपडेट कर लीजिए, न्यू लिंक करना है तो न्यू लिंक का मतलब नया लिंक क्रिएट होगा। तो हमें चाहते हैं कि अपडेट कर दें लिंक को, तो ये क्या है अपडेट लिंक से क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 4 स्क्रीन है अभी, बाद में आपने 5 या 6 स्क्रीन क्रिएट किए हैं और चाह रहे हैं कि वही URL जो लिंक है उसी पे ये अपडेट हो जाए, तो उसके लिए अपडेट करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं वो जो लिंक है उस लिंक पे नहीं अपडेट करना है तो आप दूसरे लिंक को न्यू लिंक पे फिर आपको क्रिएट करना होगा। ये दोनों में डिफरेंस है अपडेट और न्यू लिंक में। अपडेट का मतलब 4 स्क्रीन है तो उसको आपको 5 स्क्रीन ऐड कर रहे हैं, 1 स्क्रीन और ऐड कर रहे हैं तो आपको अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे लिंक मैंने गया कॉपी लिंक, ये दोनों में सेम है। यहाँ कोड है जो कि अभी बिहेंस पे मैंने दिखाया, यहाँ लिंक है, शेयर अगेन करेंगे तो फिर शेयर में 2 ऑप्शन आएंगे, न्यू करना है अपडेट करना है। कॉपी अगर लिंक को करते हैं ये तो यहाँ से कॉपी हो जाएगा ये लिंक, या इस पे आप टैप कर जैसे कॉपी कर लिए तो कॉपी हो गया, यहाँ से अगर टैप करते हैं तो भी डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे। ये देखिए ये डायरेक्ट ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, और ये पब्लिक में मेल पे अगर आप ये करते हैं, देखिए यहाँ पे आइकन जो डाला था मैंने, ये आइकन आ गया एप आइकन, और यहाँ पे 4 आइकन आपको दिखा रहे हैं जो कि होम पेज आपको दिखा रहा है कि ये है। अभी इस पे मैं टैप किया और यहाँ पे टैप किया, और जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है यहाँ पे अगर दूसरे प्लेस पे मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे हॉटस्पॉट्स वाला एरिया दिखा रहा है कि इस तरह से ये यहाँ पे टैपेबल बनाया गया है। ये देखिए यहाँ पे
और यहाँ पे है, यहाँ पे है। और होम पे जाएंगे तो होम वाली स्क्रीन आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पे वर्क करता है। अगर आपको यहाँ से और भी छोटा देखना है, बड़ा स्क्रीन देखना है, तो बड़ा स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद आपको छोटा स्क्रीन देखने के लिए फिर एस्केप प्रेस कीजिए। यहाँ से हम कमेंट अगर टाइप करना है, कोई प्रॉब्लम है, डिजाइन से कोई इशू है, तो यहाँ पे हम स्क्रीन पे मान लीजिए कोई फीडबैक लिखना है तो यहाँ पे टाइप करेंगे कलर इशू, कलर प्रॉब्लम। और यहाँ पे ये जो है पिन पे क्लिक करना है, और ये पिन को क्लिक करके जहाँ पे आपका फीडबैक है यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देंगे और इसको यहाँ से ये देखिए। दूसरा हमें देखना है कि रिमूव स्टार आइकन फ्रॉम द लिस्ट, ये करना है तो यहाँ से हम क्लिक किए और यहाँ पे लगा दिए यहाँ पे क्लिक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे फीडबैक एडिट करना है, आप टाइप कर दीजिए। अगर फुल स्टॉप कर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, फिर सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो भी क्वायरी होगा इस लिंक पे आपका हो रहा है। ये लिंक आप मेल में भी शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये गूगल जो अकाउंट Adobe ID का बनाए हैं वहीं पे उसी लिंक पे ये सेव है। ये फाइल मैं दिखाऊंगा भी कि कहाँ पे सेव है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जिस स्क्रीन से रिगार्डिंग कोई कमेंट है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, अगर कोई पॉइंट को डिनोट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और सीधा ये ओपन हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे सपोज दैट मैंने साइन इन कर दिया और ये लिंक शेयर है किसी के बाद, तो कमेंट एज गेस्ट आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अगर लॉग इन है तो सही है, नहीं तो कमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे हाय डिजाइन लुक्स नाइस, यहाँ पे मैं क्लिक किया, आई एम रोबोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये देखिए, तो जब साइन इन करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेटा हमारा विदाउट लॉग इन एज ए गेस्ट, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है फिर भी मैं कमेंट यहाँ पे कर सकता हूँ ऑनर को। तो गुड डिजाइन यहाँ पे ये किया और इसको पकड़ करके यहाँ पे ट्रैक कर दिया अगर कमेंट है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो जो भी एक्टिविटी होगा डिजाइन पे यहाँ पे हमारे पास मेल आएगा जो इसका ऑनर होगा फाइल का। तो ये ऑनर है, ये गेस्ट है, गेस्ट ने इसने अपना कुछ कमेंट चेंज किया है। लिस्ट शुड बी क्लीन और यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप दिया और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इस तरह से आप देख रहे हैं कि टाइप हो रहा है, यहाँ मैसेज भी आपको आएंगे न्यू एक्टिविटी। अब दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि मैनेज कैसे करेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे मैनेज लिंक पे क्लिक करेंगे और मैनेज लिंक में आपको Adobe XD का जो होगा आपका जो अकाउंट है, यहाँ पे जो आपका अकाउंट है इस केस में जो आपको मैंने बताया कि यहाँ पे जो अकाउंट है Adobe ID का, इसी अकाउंट ID पे आपको यहाँ पे जो ID है यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ सपोज दैट देखिए वहाँ ईमेल ID सेम है जो मैं वहाँ पे दिखा रहा था और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ
और इस तरह से मैं जब लॉगिन करता हूँ तो ये ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएटिव क्लाउड पे सेव हो गया है। जो यहाँ पे आप डिजाइन देख रहे हैं, ये जो डिजाइन देख रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक वहाँ पे भी सेव हो गया है। देखिए ये वाली, तो ये माय एसेट्स है, क्रिएटिव क्लाउड यहीं पे है। प्रोटोटाइप में जाना है आपको, बहुत सारे हैं लेकिन आपको प्रोटोटाइप में जाना है। ये है यूएक्स फाइल प्रोटोटाइपिंग, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये कमेंट जो नोट किया हुआ था ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर डिलीट करना है कमेंट तो आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये ट्यूटोरियल्स आपको शेयर करने के लिए, क्लाइंट के पास शेयर करने के लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर आप भी डिजाइन बनाते हैं तो हमारे मेल पे ये लिंक को शेयर करें, मैं आपके जो प्रोटोटाइपिंग का जो डिजाइन है और जो एनिमेशंस हैं और क्या फीडबैक है उससे मैं रिव्यू करके आपको फीडबैक बताने का कोशिश करूंगा। थैंक्स।